मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना मैं इस रास्ते को पार नहीं कर पाऊंगा। मैं और सो मत मैं यहाँ पे बच्चों की तबीयत खराब है और तुम लोग पिपड़ी बजा रहे हो। वैसे कौन है आप लोग? है हम बालवीर के मित्र और है आयम यहाँ बालवीर के कहने पर। मैं देख कौन है? मैं रूट। और ये हम बच्चों को तमाशा दिखाएंगे ताकि वो सो ना सके, क्योंकि आएगा नहीं जब तक बालवीर मायावी भौरों के डंक पे लगाने वाला लेप लेकर तब तक बच्चों को जगाए रखना है बहुत जरूरी। उठो बालवी, उठो। ये पहाड़ आपस में टकरा कर इस मार्ग को बंद कर दे, उससे पहले उठो, दौड़ो, उठो, निकलो यहाँ से और पार करो इस रास्ते को। अगर तुम आज नहीं दौड़े तो तुम्हारे साथ साथ बच्चों के बचने की उम्मीद भी यही समाप्त हो जाएगी। बालवी उठो। नष्ट उन परियों ने की क्या जरूरत आपको उस रानी परी के पैर पकड़ने की? है लगता मुझे हो जाना चाहिए आपको खुद ही बंद उस ताबूत में हमेशा हमेशा के लिए। नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा आज आपके इन झटकों से, क्योंकि इससे भी बड़ा झटका है लगा आज आपको। है गया बालवीर ढूंढे इलाज मायावी भवरों के डंक का और हो जाएगी आपकी सब योजना असफल। मेरी चाल असफल नहीं सफल हुई है, क्योंकि बालवीर वही कर रहा है जो मैं चाहती हूं। आश्चर्य हो रहा है ना तौबा तौबा, ये सब मेरा ही रचाया हुआ खेल है। वो भवरे तो मेरे मोहरे थे, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। तो बच्चों, तो है पेश आपके खिदमत में संगीत और नृत्य का एक सदाबहार एक छोटा सा कार्यक्रम। Yeah!
तैयार है, तैयार है। क्या करें भटकाते परी, संगीत का भी बच्चों पर कोई असर नहीं हो रहा। हमें जरूर कुछ और सोचना होगा, पर हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारा जादू भी तो कोई असर नहीं कर रहा बच्चों पर। अब आएंगे मोंटू। बॉस, एक कौन सी चिड़िया का घोंसला लगा के आए हो आप? बेवकूफ, ये चिड़िया का घोंसला नहीं है, इसे अफ्रीकन बाल बोलते हैं। ये विग मेरे पापा ने स्पेशली मेरे लिए अफ्रीका से लाई है। दुबे तोते उड़ गए ना तेरे तोते मेरे बाल देख के। अब चिड़ा गंजा, अगर अब तू गंजा बोला ना लाल मिर्च देंगे तुझे मोंटू बॉस। लाल मिर्ची तो अच्छी होती है। तो अभी लाता हूँ पहले पेट भर कर, फिर कहना पेट भर कर। तोते को लाल मिर्ची अच्छी लगती है। तो ये जानकर तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? तेरी तो जाता है क्या दुएट? वैसे बॉस, अब ये तीसरे वीक है, क्या आपको पूरा यकीन है कि आप इस वीक के साथ स्कूल में एंट्री मार पाओगे? हाँ, मैं इस वीक के साथ स्कूल में एंट्री मारूंगा। अभी आया, अभी जाकर देखता हूँ एक गिंडा क्या करने गया। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी। ए, आंटी नहीं बोलो। दीदी हेल्प। अरे मैं मनी राम द ग्रेट लखानी का बेटा हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। दीदी जी वो क्या है ना, मेरी एग्जाम है और मैं पढ़ाई करने में बहुत बिजी था, इसलिए मैं पूजा नहीं कर पाया, और अगर मैंने पूजा नहीं की ना तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। आंटी जी, मतलब दीदी जी, प्लीज मुझे आपकी पूजा की तारीख दे दीजिए ना। क्यों? वो मेरे बालों का सवाल है। क्या मतलब? मुझे एग्जाम से बाल बाल बचना है ना, इसीलिए। दीदी प्लीज दो ना, प्लीज दीदी। ठीक है, ये लो। थैंक यू।
थैंक यू आंटी। hey! दीदी अब मंदिर में जाइए, मैं 5 मिनट में लेके आऊंगा और ये आपके 10 रुपए भगवान को मेरे नाम से चढ़ा देना। दूर, 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 दूर। ये लेके बोल आरती कर मेरी। क्यों? अरे पुराने जमाने में जब राजा महाराजा कुछ काम के लिए जाते थे ना तो उनकी आरती की जाती थी। तो आज मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी अपना चैलेंज पूरा करने वाला है, इसीलिए मेरी आरती कर। आग नहीं, धुआं। तेरे काले दिल से काला धुआं निकल रहा है। अरे बॉस, मेरे दिल से नहीं, आपके नकली बाल, आपके विग से धुआं आ रहा है। ओए बचाओ, फायर ब्रिगेड! इतने छोटे काम के लिए फायर ब्रिगेड नहीं आएगी। जाओ वो पानी के ड्रम में सर डुबो दो अपना। बाल बाल बच गया। नहीं बॉस, एक भी बाल नहीं बचा। क्या? एक अच्छे, तू कुछ भी कर ले, तू गंजा ही रहेगा। अबे तेरी तो भी जाता है क्या दूए? जगह है जहां पर मैं खड़ा हूं और वो पवित्र, हाँ वो रहा पवित्र मिट्टी का पहाड़। अब मुझे उस पहाड़ तक पहुंचना है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत बड़ी खाई, इसमें कई सारे नुकीले पत्थर, मैं इसे पार कैसे करूं? कोई तो रास्ता होगा। वो पत्थर, हाँ अब ये पत्थरों के स्तंभ की कतार मुझे उस पहाड़ तक ले जाएगी। हाँ। अरे स्तंभों पे अब संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है। वापस जाने के अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं है, मुझे वापस जाना ही होगा। ये सारे स्तंभ तो टूटकर उस तरफ गिर गए, अब मैं इसे पार कैसे करूंगा? क्या करूं, क्या करूं? हाँ। हाँ। ये रहा दूसरा मार्ग, जो लावा की खाई से होता हुआ पहाड़ के पीछे से इस पवित्र मिट्टी वाले पहाड़ तक जाता है, लेकिन ये रास्ता तो बहुत ही लंबा है और इसमें मुझे लावा की खाई भी पार करनी होगी। अब इसमें तो मुझे बहुत समय लगेगा, क्या करूं? हाँ।
बचे, एक घंटा खत्म हो चुका है। क्या करूं? कोई और रास्ता भी तो नहीं है। क्या करूं? कोई तो उपाय होगा। अब मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है कि मैं इस कठिन और लंबे रास्ते को चुनूं, ताकि मैं उस पवित्र मिट्टी वाले पहाड़ तक पहुंच सकूं। मैं उठना। अब क्या करें गालपरी? बच्चों को जगाना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और बालवीर भी पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा फूल लेकर नहीं है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भटकाती परी कि हम बच्चों को जगाए कैसे। मेर, मेर, उठो बेटा आगे चलो। मेर उठो बेटा। शमा, जगाए रखने के लिए बच्चों को हमें लगातार करते रहना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मेहर और मानव को डांस बहुत पसंद है, क्या ब्रेक डांस कर सकते हो? ब्रेक डांस? ब्रेक यानी तोड़ना, डांस यानी नृत्य। अरे वाह, तोड़ फोड़ नृत्य। तो है पेश आपके खिदमत में एक सदाबहार तोड़ फोड़ नृत्य। पूरा पवित्र मिट्टी का पहाड़। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, समय रेत की तरह सरकता ही जा रहा है। मुझे जल्द से जल्द इस लावा की खाई को पार करके पहाड़ तक पहुंचना होगा, लेकिन कैसे, क्या करूं? क्योंकि अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस लावा की खाई में गिरकर भस्म हो जाऊंगा, और मार्गदर्शिका की चेतावनी के अनुसार मैं यहाँ उड़ भी नहीं सकता। क्या करूं? खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। न्यू दिल्ली के सिद्धांत शर्मा, कल्याण की कसाकर राठौड़, देहरादून के विकास तोमर, मथुरा के कृष्ण अग्रवाल, सूरत के चिराग अग्रवाल, दिल्ली के लखन पाल और दिल्ली के सुमित असरानी ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो सफर के दौरान अपनी जगह बड़े और बुजुर्गों को बैठने के लिए देते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, इसी तरह सच्चे और अच्छे काम करते रहिए। दोस्तों, आप सब हमें पत्र लिखकर भेज तो रहे हैं ना, क्योंकि अभी भी मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए 3 बच्चों का चयन होना बाकी है, और हो सकता है आपको भी परिलोक के सम्मान समारोह में शामिल होने का निमंत्रण पत्र मिल जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.